दोस्तों सारणिक के इस भाग में ये पहला सवाल है जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। इस सारणिक का मान 0 दिया हुआ है तो हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर इसका प्रसार कर देना है, एक समीकरण मिलेगा जिसे गुणनखंड करके x का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो किसी क्रिया को करने से अच्छा है कि हम लोग इसमें सीधे यहाँ पर प्रसार कर दें, तो हम लोग यहाँ पर R1 से प्रसार करेंगे। प्रसार करते समय बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना होगा कि कहीं गलत ना होने पाए। R1 से प्रसार करने पर देखिए, पहले हम लोग 3 + x पे चिन्ह थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। तो पहले 3 + x लेंगे, इसका चिन्ह प्लस का ही होता है, तो देखिए 3 + x रखा रहेगा। फिर सारणिक बनाएंगे, इसमें ये छुपेगा ये छुपेगा, बचेगा 7 + x 6 5 3 + x। उसके बाद हम लोग 5 पे काम करेंगे, इसका साइन होता है माइनस, तो -5, इसमें ये जाएगा ये छुपेगा, ये हो जाएगा 1 6 2 और 3 + x। उसके बाद हम लोग 2 पे काम करेंगे, चिन्ह प्लस होता है, प्लस का 2, ये छुपेगा ये छुपेगा, ये हो जाएगा 1 7 + x 2 और 5, और ये पूरा क्या दिया था, 0। प्रसार हो गया, हम लोग उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ये देखिए है 3 + x, इसमें इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 + x 3 + x - 6 5 30। -5 रखा रहा, यहाँ 3 + x -6 × 12, प्लस का 2 लिखा रहा, 5 × 5 -2 7 + x, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, ये देखिए आएगा 3 + x, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x² + 10x + 21 - 30। -5 अंदर बचेगा x - 9 + 2 5 - 14 - 2x = 0। ये आएगा 3 + x, सही कर लें इसको, x² + 10x, 30 से 21 गया, -9 - 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -5x + 9 = 45, +2 अंदर बचेगा, -9 - 2x = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट का भी मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 3x² + 30x - 27 + x से मल्टीप्लाई कर दें, x³ + 10x² - 9x। आगे लिखा है -5x + 45, मल्टीप्लाई कर दें, -18 - 4x = 0। एक घात के पदों को पास पास कर लें, देखिए x³ है तो यहाँ लिखा है x³। अब x² देखें, 3x² + 10 और 3 13x² और कहीं x² का पद है नहीं, तो ये बचेगा 13x². अब x को ढूंढें, देखिए 30x में से 9 गया, 21x 21 में से 5 गया, 16x 16x में से 4 गया, तो 12x, प्लस का 12x। अब कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, -27 - 18 + 45, तो 8 7 15 का 5 लगा 1 2 2 4, देखिए 27 और 18 मिलके हुआ -45 और ये +45, कट गया, आगे रह गया 0। अब ये 3 घात में समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से x कॉमन ले लें, x² + 13x + 12 = 0। देखिए एक बार तो यहाँ से x = 0 हो गया, और एक बार ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी, x² + 13x + 12 = 0। गुणनखंड करें, 12 1 = 12 12 और 1 = 13, तो x² + 12x + x
प्लस 12 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 12 1 कॉमन ले लें, एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का मान माइनस 12, और एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का मान माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू आई हैं, एक 0, एक माइनस 12 और एक माइनस 1, यानी इसका जो एक्स के मान थे वो या तो 0 होंगे या माइनस 12 होगा या माइनस 1 होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 में देखिए दो चीजें आपको पता हैं, एक तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 पता है, दूसरे इस सारणिक का मान 0 पता है। तो हमसे कह रहे हैं x का मान बताइए। इसका मतलब है कि इस सारणिक के अंदर कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी छुपा हुआ है जो कि मुझे बनाना है। तो आप इसको गौर से देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम c1 में c1 प्लस c2 प्लस c3 जोड़ दें या r1 में तीनों पंक्तियां जोड़ के लिख दें तो हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो हम लोग ये वाली अपनाने जा रहे हैं प्रोसेस, हम पहले वाले कॉलम में सब जोड़ने जा रहे हैं। देखिए पहले वाले कॉलम ये है पहला कॉलम, इसमें ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ दोनों यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे, यानी बी और सी यहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, क्योंकि ये यहाँ जुड़ जाएगा। अब बी माइनस एक्स और ये दोनों चीजें भी यहाँ पर आके जुड़ जाएंगी, यानी ए बी सी तो था ही, ये भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा आके, तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। और बाकी ऐसे ही लिखा रहा c, ये b माइनस एक्स और ये a, ये b, ये a और c माइनस एक्स, ये ऐसे ही लिखा रहा इज इक्वल टू जीरो। अब आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा यहाँ पर क्या हो गया है, जीरो दिया हुआ था हम लोगों को, तो यहाँ रख देंगे हम लोग जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सी बी माइनस एक्स, ए बी ए और सी माइनस एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। यहां से दिख रहा है माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एक्स जब यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा वन वन वन, यहां बचेगा सी बी माइनस एक्स, ए और बी ए और सी माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सीधे इसका प्रसार कर देते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सी वन से प्रसार। तो देखिए ये माइनस एक्स था, इसका एक्स तो बाहर रखा ही रहेगा क्योंकि ये माइनस चला गया जीरो के अंदर। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं सी वन से। तो पहले वन पे काम होगा, वन ये सारणिक बनेगी, ये छुपेगा और ये छुपेगा, बचेगा b माइनस एक्स ए ए सी माइनस एक्स। तो साफ साफ लिखेंगे b माइनस एक्स ए ए और c माइनस एक्स। फिर इस वाले वन पे काम आएगा, ये चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस वन, फिर सारणिक बनी, आपकी क्या छुपेगा ये वाला वन पहली वाले स्तंभ और दूसरी वाली पंक्ति में था, तो सी बी ए सी माइनस एक्स, सी बी ए और सी माइनस एक्स। उसके बाद ये वाला वन चिन्ह प्लस का होता है, तो प्लस का वन, और अब यहाँ क्या बचेगा, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपेगा, सी बी सी बी बी माइनस एक्स और ये ए, और ये आगे लिखा था जीरो। चूंकि सारणिक के बाहर ये x निकल चुका था तो एक तो हो जाएगा x बराबर जीरो, इसका मतलब एक तो वैल्यू x बराबर जीरो मेरी हो चुकी है। ठीक, अब दूसरी और वैल्यू जो है वो यहां पे छुपी हो सकती है क्योंकि अभी यहां पर x है। अब इसको चल रहे हैं हम लोग सरल करने के लिए। देखिए ये वन है तो वन तो रखा रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस ये, तो ये बनेगा बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स और माइनस ये है ए स्क्वायर। फिर माइनस वन रखा है, इसका मल्टीप्लाई इससे,
तो हो जाएगा सी होगा सी स्क्वायर माइनस सी एक्स और माइनस बी ए प्लस वन इसका मल्टीप्लाई ए सी माइनस इनका मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर और प्लस का बी एक्स। जब आप खुद करेंगे तो आप जान जाएंगे कहाँ पे इस चिन्ह बदलना है कहाँ नहीं बदलना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आपस में, देखिए बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, आगे लिखा है माइनस ए स्क्वायर, माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस बी ए प्लस आगे बचा है ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए माइनस का बी एक्स और प्लस का बी एक्स कट गया, माइनस का सी एक्स प्लस का सी एक्स भी कट गया, क्या क्या बचा है देखते हैं। ये बचा है एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो ये बचा है एक्स स्क्वायर, फिर बचा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये बचा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर बचा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस ये बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो। इसको हम लोग उधर कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर, ये सारा अपन उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। अब यहां पर हम लोगों को गौर करना है कि ये क्या बना है और ये कैसे कन्वर्ट होने जा रहा है। एक हम लोग के पास फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया था इसलिए यहां पर ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा माइनस एक बटा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसका मान निकाला है। यहाँ पे ये बहुत विशेष काम हुआ है जिसको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए इन सवालों को लगाना और अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का ये मान हमने निकाल दिया और ये देखिए मेरे पास ये चीज थी, इसका मतलब है यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब जो इसकी वैल्यू निकल के आई है ये इसी की तो निकल के वैल्यू आई है माइनस वन पॉइंट टू, तो ये जो वैल्यू दिख रही है ये हम यहाँ रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस एक बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम चीज है, ये वन अपॉन टू है ये वन है, जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसलिए जब हम एक्स निकालेंगे तो थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी और साथ में लग जाएगा प्लस माइनस, तो दूसरी वैल्यू एक्स की ये आ गई जो बॉक्स में लिखी है और एक वैल्यू क्या निकल के आई थी पहले एक्स बराबर जीरो। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एक्स का मान जो है वो एक है एक्स बराबर जीरो और एक है ये। बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन था आठ नंबर में। इसी श्रृंखला में सवाल नंबर तीन है,
इस सारणिक का मान सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड, अगले में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को यही दिख रहा है घटाने वाला काम कि हम लोग यहाँ पर आर वन में क्रिया करेंगे आर वन माइनस आर टू, और फिर आर टू में क्रिया करेंगे आर टू माइनस आर थ्री। यानी पहले हम पहली पंक्ति से ये पंक्ति को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, तो x माइनस वाई यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ घटाएंगे, वन से वन कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम आर टू में क्रिया करेंगे आर टू माइनस आर थ्री इसी प्रकार से, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहाँ वन से वन कट जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो यहाँ आएगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और लास्ट वाली रो जो है वो ऐसे ही लिखी रहेगी। देखिए इससे मेरे दो फायदे हो गए, एक तो पहली पंक्ति में x माइनस वाई कॉमन है और दूसरे से y माइनस जेड कॉमन है। तो यहाँ से हम x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन निकाल लेंगे, ये बचेगा वन, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा वन, यहाँ y प्लस जेड, और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड जेड स्क्वायर और वन प्लस जेड क्यूब। देखिए मेरे दो फैक्टर्स यहाँ से कॉमन निकल चुके हैं। अब यहाँ पर हम फिर से यही प्रश्न अपनाएंगे कि आर वन में क्रिया करेंगे आर वन माइनस आर टू, देखते हैं क्या फायदा होने वाला है। ये बचा रहेगा, एक तो देखिए वन में से वन घट के हो जाएगा जीरो, एक्स प्लस वाई से वाई प्लस जेड घटेगा, वाई वाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस जेड। क्लियर? अब हमें इसमें से ये घटाना है जो कि मौखिक नहीं घट सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइड में जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में से घटाएंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पास पास कर लिया, एक्स वाई माइनस वाई जेड, यहाँ वर्गांतर हो गया एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, और यहाँ से वाई कॉमन ले लिया एक्स माइनस जेड, यहाँ से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई। यानी पूरा दिख रहा है गुणनखंड का काम यहाँ पर हुआ है। ये चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको इससे घटाने पर ये चीज आई है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस जेड और बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये नीचे ऐसे ही लिखा है वन प्लस वाई, वन वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये जेड जेड स्क्वायर वन प्लस जेड क्यूब। देखिए यहाँ से x माइनस जेड x माइनस जेड और ये x माइनस जेड, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये बचेगा z माइनस एक्स। क्या बचा यहाँ? जीरो, यहाँ बचा वन, और यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बचा वन, ये y प्लस जेड, और ये बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड और ये जेड स्क्वायर और ये वन प्लस जेड क्यूब। एक चीज आपको दिख रही है, यहां पे निकला है एक्स माइनस जेड कॉमन, एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड कॉमन निकला था जबकि हमें सिद्ध करना था जेड माइनस एक्स। इसका मतलब है जब ये सारणिक का प्रसार होगा तो अंदर से एक माइनस निकलेगा जो इसको कर देगा जेड माइनस एक्स। अब बस चूंकि यहाँ पे एक पद रह गया है वन प्लस एक्स वाई जेड जो इसके अंदर छुपा है कहीं ना कहीं, तो हम लोग अब सीधे यहाँ पर इसको प्रसार कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे।
यहाँ पे हमने R1 से प्रसार किया है, पहले जीरो पे काम, जीरो फिर वन पे काम, तो माइनस वन चिन्ह हो जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड पे काम। आइए इसको हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये माइनस रखा रहा, अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, तो वन प्लस जेड क्यूब, फिर माइनस इससे, तो माइनस इसका जेड से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस जेड क्यूब हो गया। आगे लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका इससे मल्टीप्लाई, जेड स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। देखिए जेड स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ प्लस जेड क्यूब से माइनस जेड क्यूब भी कट जाएगा। देखते हैं क्या बचा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। अंदर क्या बचा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो देखिए माइनस वन और प्लस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई कराना है, माइनस वाई जेड का इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स का पहले करा देते हैं, तो माइनस एक्स वाई जेड, फिर वाई करा देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर जेड करा देते हैं, माइनस वाई जेड स्क्वायर। देखते हैं कुछ कटा, प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अंदर बचा है माइनस वन माइनस एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, वन प्लस एक्स वाई जेड, और ये माइनस लगा दिया बाहर। अब यही वाला माइनस जो है वो इस ब्रैकेट में जाके इसे घुमा देगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये वन प्लस एक्स वाई जेड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। वास्तव में एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था कि ये सिद्ध करना था, गुणनखंड बीच में हुए थे और इस पन्ने पे गया और ये सामने आपके हैं। तैयार अवश्य करना है क्योंकि अनसॉल्व में आए हुए सवाल है, ये कहीं ना कहीं आगे पूछे ही जाते हैं। सवाल नंबर चार आपके सामने है कि इस सारणिक का मान सिद्ध करना है, थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये सवाल बोर्ड में दो नंबर में पूछा है, देखते हैं कि क्या ये दो नंबर के लायक था, चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हम लोग को दिख रही है सिंपल सी, अगर शुरुआती क्रियाएं आपने बहुत आसान सी पकड़ ली। देखिए एक तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि पहली पंक्ति में सब जोड़ दें, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उससे भी लग जाएगा। लेकिन कहा ना कि क्रिया ऐसे करिए जिससे कि आप बहुत ही बेहतर सोच सकें। देखिए ये b है तो ये b है, ये c है तो ये c है, ये a है तो ये a है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि c1 में क्रिया करें और c1 माइनस c2 घटा दें। तो देखते हैं क्या होता है, a प्लस बी से b जाएगा a, b प्लस सी से c जाएगा b, c प्लस a से a जाएगा c, और यहाँ बचा b c a, और यहाँ बचा बी ए सॉरी सी ए बी, सिर्फ इतना बच गया। और ये बिल्कुल रेडी है क्वेश्चन प्रसार के लिए, सीधे प्रसार कर दीजिए आपको ये चीज मिल जाएगी। कोई जीरो नहीं है यहाँ, इसलिए आप किसी से भी प्रसार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं R1 से प्रसार करने, तो पहले ए है तो ए है, यहाँ अंदर बचेगा सी ए ए बी, फिर b आएगा तो माइनस बी, ये छुपेगा ये छुपेगा, ये आएगा b a c b, फिर प्लस का c है, ये छुपेगा ये छुपेगा, ये हो जाएगा b c c a। ओपन करते हैं, ये a, ये हो जाएगा b c माइनस ए स्क्वायर माइनस बी,
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, गुणा कर दीजिए ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, ए बी सी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये मिला के हो गया 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब। देखिए ये राइट हैंड साइड सिद्ध हो गई। अब वास्तव में ये दो नंबर का सवाल था तो दो नंबर के लायक ही करा गया है। अगर इसमें कठिन क्रिया सोच लेते जो सोच रहे थे पहले तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता। देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए है, सिर्फ सिद्ध करना है इसकी वैल्यू 0, कुछ भी नहीं सोचा है, सिर्फ हमने 1-1 को देखा है और हम R1 में क्रिया करेंगे R1 माइनस R2 और R2 में क्रिया करेंगे R2 माइनस R3, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 बनाने हैं। चलिए 1 में से 1 जाएगा 0, x में से y जाएगा x माइनस y। अब इस फिगर में से इस फिगर घटाना है तो निश्चित रूप से हम लोग साइड में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, तो इसको पास कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ बचा एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये वर्गांतर हो गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सॉल्व होके यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ लिख दिया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम R2 से R3 घटाएंगे, 1 से 1 जाएगा 0, y से z जाएगा तो y माइनस जेड, और फिर अब यहाँ से इसे घटाएंगे, फिर आप ऐसे कर सकते हैं चूंकि सेम काम यहाँ पे किया गया है इसलिए ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ मिलेगा वाई माइनस जेड और यहाँ मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चूंकि सेम काम था इसलिए इसी प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1z और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए पहली पंक्ति में x माइनस वाई कॉमन, दूसरे में y माइनस जेड कॉमन, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया, अंदर बचा 0 1 सॉरी यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड 0 1, यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और आप देख सकते हैं ये सवाल 5 नंबर में आया था और शायद इतना करने के बाद आपको आंसर दिखने लगा है कि 0 है, क्यों? क्योंकि ये है 0 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दो पंक्तियाँ बिल्कुल एक जैसी हो गई सर्वसम। तो हम यहाँ बताएंगे कि चूंकि R1 व R2 कैसी हैं, सर्वसम हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती थी सारणिक की, पीछे कई सवालों में यूज करी है, इसलिए सारणिक का मान कितना हो जाएगा 0 और ये हो गई राइट हैंड साइड। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये सवाल 5 नंबर का था। दोस्तों जो भी हम लोग ये काम करते हैं साइड में, ये कहने को भले ही रफ काम होता है लेकिन यही रफ काम अगर बिगड़ गया तो यहाँ सारा मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए रफ काम को रफ मत समझा करिए, बहुत ही अच्छे से साफ लगाया करिए। और चूंकि इस सवाल की पूरी जान यही नहीं थी, क्योंकि ये जब हुआ था तभी ये सर्वसम होके आए थे, इसलिए इस सवाल का पूरा फोकस ये है, इसलिए ये एग्जामिनर की निगाहों के सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है सवाल यहाँ चल रहा है और ये कहीं जाके आपने बहुत पीछे पन्नों पे कहीं लगा के यहाँ पे फिर मान ला के रख दिया तो लगेगा पता नहीं ये अचानक से ये कैसे आ गया। पूरी बेड़ी कॉपी होती है, साइड में काफी जगह होती है, इसलिए लाइन खींच करके साफ साफ कर दिया गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी इस सवाल का एक बहुत ही आवश्यक अंग था। दोस्तों अनसॉल्व से इतना तो क्लियर हो रहा है हम लोगों को कि सवाल बोर्ड में किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, और ये सभी बहुत जबरदस्त हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई आपको इस साल फिर से मिल सकता है, इसलिए बहुत सीरियसली इनको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सारणिक के कुछ और चुनिंदा बेहतरीन सवालों के साथ।
थैंक यू।